हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और फैशन डिज़ाइनर रूबी सिंह के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज़ के पैटर्न कटिंग। जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेज़रमेंट लिखा हुआ है राउंड चेस्ट 37, राउंड वेस्ट 31, वेस्ट लेंथ 59, अक्रॉस बैक 12। अब ये सब उसके फॉर्मूलेज हैं जो आप सब देख सकते हो। उसके बाद हम ये सारे फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। पहले लेंगे हम अपने 6 इंच अक्रॉस बैक के लिए, देख सकते हो आप। उसके बाद सेम लेंथ भी हम 6 इंच ही लेंगे। ये हम एक स्क्वायर बॉक्स लेते हैं ताकि हमारे हर साइड से हमें बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारा मेजरमेंट सही आए। देख सकते हो अब मैं 6 इंच फिर से ले रही हूँ। अब इसको पूरा लाइन लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम अपना 3.5 इंचेस लेंगे। ये हमारे जो हम डार्ट्स बनाते हैं, जो प्लेटें होती हैं ब्लाउज में, उसके लिए होता है ये स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है। इसके बाद हम 9.5 इंच लेंगे और ये ध्यान रखें कि नीचे से भी वो 3.5 पर ही आए। आप देख सकते हो मैं किस टाइप से कर रही हूँ, इधर से भी ये 3.5 ही होना चाहिए। अब इसका यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये हमारा 1/2 इंच हम ऊपर से शेप दे रहे हैं। उसके बाद जितना भी हमारा बचता है मिडल, जैसे ये 5.5 था तो इसका मिडल 2.750 आएगा मे बी, मतलब 2.75 इंच करीब आता है, तो वही लेना है। उसके बाद उसे ज्वाइंट कर देंगे। देख सकते हो आप मैंने किस टाइप से ज्वाइंट करा है। ये हमारा ब्लाउज का पैटर्न किस लिए तैयार होता है, ताकि जितने भी हम ब्लाउज बनाते हो उसमें हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। और पहले हम पैटर्न अगर कट कर ले, ये हम अपना 9.79 कह सकते हो, क्योंकि 9.25 है तो 79 सेम ही नीचे से भी लेते हैं हम। जितना ऊपर से लेते हैं उतना ही हम अपना वेस्ट लेंथ, और ये मैंने पूरा जितना हमारा लेंथ था, वेस्ट लेंथ जिसे बोलते हैं हम, उस वो पूरी ले रखी है मैंने 15। और इसकी अब मैं विड्थ ले रही हूँ, वो सेम होगी जैसे ऊपर हमने 9.25 लिया है उतना ही नीचे भी होगा पूरा। जबकि हमारा वेस्ट जो है 31 है, उसका 1/4 जो है 7 पॉइंट कुछ आया है, उतना नहीं लेंगे। आप देखते रहिए मैं किस टाइप से कर रही हूँ। इसके बाद फिर हम अपनी शेप दे देंगे। और शेप थोड़े अच्छे से देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। उसके बाद हम अपने बैक की शेप देंगे। आप ये मार्क किसी से भी कर सकते हो, पेन से भी और चॉक से। बट फैब्रिक पे अगर कर रहे हो, कपड़े पे अगर डायरेक्ट निशान लगा रहे हो तो चॉक से लगाना, पेन से नहीं, क्योंकि वो छूटते नहीं है कभी भी।
उसके बाद जो वो हमने 9.5 और 3.5 लिया था उधर से हम डार्ट लगाएंगे। और डार्ट किस टाइप से लगाते हैं, डेढ़ डेढ़ इंच के पे लगा रही हूँ। अगर हमारी 40 अबव बस्ट या बस्ट और चेस्ट एक ही होता है तो वो होता है, तो हम 2 2 इंच 1.8 पे लेते हैं। और हमारा 45 होता है बस्ट तो हम 2 2 इंच पे लेते हैं। अभी ये 37 था तो हम ये डेढ़ डेढ़ इंच पे लेंगे। देख सकते हो मैं किस टाइप से ले रही हूँ, डेढ़ डेढ़ इंच पे। उसके बाद नीचे से 2.5 इंच लेकर, ये हमारी लेंथ है जितना हम मतलब ले रहे हैं, इसमें कोई मार्जिन नहीं है क्योंकि ये पैटर्न पेपर है, पैटर्न पेपर में कभी मार्जिन नहीं होता है। उसके बाद फिर से हम 1.5 इंच लेंगे। शेप एक बार देखते जाना मैं किस टाइप से दे रही हूँ, एकदम सी शेप होनी चाहिए, कैट वाला सी। देख सकते हो आप, थोड़ा सा डिस्टेंस से लेकर और स्ट्रेट लाइन कर देनी है। देख सकते हो एकदम सी शेप आ रही है। उसके बाद 3 इंचेस लेकर अपना नेक जो लेते हैं हम, वो ब्लाउज में 3 इंच का लेते हैं और सूट में हम 2.5 का 3 का भी लेते हैं, बट ब्लाउज में 3 का लेना होता है, थोड़ा बड़ा होता है। क्योंकि इसलिए लेते हैं, देखिए मैं बता देती हूँ आपको, ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम बड़े गले पहनते हैं तो हमेशा हम अपना जो ये अक्रॉस पैक होता है वो कम लेते हैं, ठीक है। जैसे 6 लिया है इसमें हमने, और ये चीज़ हम गले बड़े करने के लिए 3 इंच पे ले लेते हैं ताकि हमारा वो टिका रहे, मतलब रुखा रहता है कपड़ा, उससे नहीं तो वो उतरने लगते हैं कंधे से। और अगर हम छोटा गला बनाते हैं तो हम वो 2.5 इंच पे लेते हैं, और हम अपना यहाँ पर 6 के बजाय 6.5 कर देते हैं। तो देख सकते हो मैं इसकी कट कर रही हूँ नेक की, ये फ्रंट नेक है, बैक नेक आपको क्योंकि हर बार चेंज हो जाता है तो इस वजह से ये एक बार कट करके रख लो, उसके बाद सेम वैसे ही किसी भी फैब्रिक पे रखो अपना और कट कर लो, इसलिए होता है पैटर्न पेपर यूज़। पहले बैक की कटिंग करेंगे अक्रॉस, ये आर्म होल की बैक की कटिंग करेंगे। थोड़ा ध्यान से काटे, फटे फूटे ना, मेरे से हल्का सा हो गया था बट। उसके बाद हम अपना फ्रंट का क्रॉस बैक सॉरी आर्म होल काटेंगे, कट करेंगे। अब हम अपने डार्ट डालेंगे जो कि ब्लाउज में होती है, आपने देखी होगी चुन्नटे जैसे बोलते हैं, वही होती है। ये हमारा 7.75 आया था, 7.25 इंच जिसे बोलते हैं। तो जितना भी मार्जिन दिख रहा है आपको कितना है, ये 1.25 से थोड़ा सा 2 इंच में सिर्फ एक लाइन कम है, तो उतना ही हम इसका मिडिल ले लेंगे। देख सकते हो इसी टाइप से डार्ट डलती है। अगर आपको फिनिशिंग में और अच्छे वे में चाहिए ना, तो डार्ट इसी तरीके से डलती है। बुटीक वगैरह स्टाइल वाला मैं बता रही हूँ जो डिजाइनर्स के होते हैं,
उसके बाद यहाँ से हम सिर्फ एक एक पैर का लेते हैं, जो कि हमारा 1/4 होता है। 1/4 1/4 लेंगे, जो कि हमारा टोटल हाफ होगा। देख सकते हो मैंने आपको दिखाया अभी। उसके बाद इसे सब ज्वाइंट कर देंगे। सेम उसी मेथड से हमें यहाँ भी करना है। हाफ हाफ इंच में हमारे दोनों साइड के हो जाने चाहिए। हाफ इंच में हमारे दोनों साइड के हो जाएंगे। कैसे होंगे वो? 1/4 1/4 दोनों साइड से लेकर उसके बाद स्केल से या किसी भी चीज़ से हम इस तरीके से, जैसे मैंने भी इंची टेप से किया, उस तरीके से स्केल से कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ से होगा। आप एक बार इस मेथड से ब्लाउज ज़रूर बना के देखना, और इसकी फिटिंग बहुत ही मस्त आती है, बहुत ही अच्छी आती है। ये है इसका फाइनल कटिंग। एंड गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करो। बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ आने वाले हैं क्योंकि अब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, सपोर्ट मी।